Hello students, the name of the topic is the animal kingdom. This is for class 4th. First is animal habitat. Habitat means jahan animals rehte unka ghar. The place where living organism builds its habitat. Jo living organism hai, jinme jaan hoti hai, jahan pe wo rehte, usko hum kya bolte? Habitat. The large variety of animals can be classified on the basis of their habitats. जो लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स पे जो एनिमल को क्लासीफाई किया मीन्स डिवाइड किया गया है जो उन पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट मीन्स जो जहाँ पे रहते हैं मीन्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स लैंड एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं. सेकेंड इज एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं मीन्स वाटर एनिमल्स. एम्फीबियंस मीन्स जो कहाँ पे लैंड पे भी एज वेल एज वाटर में ज़मीन पे भी एज वेल जहाँ पानी होता है वहाँ पे भी रहते हैं. एरियल एनिमल्स मीन जो एयर में होते हैं हवा में होते हैं. एब्रोल एनिमल्स कौन होते हैं जो ट्रीज पे रहते एंड लैंड पे ज़मीन पे भी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? दीज आर लैंड एनिमल्स मीन जो ज़मीन पे रहते मूव ऑन फोर लेग्स. वो किससे चलते हैं जो अपनी उनकी चार टांगे होती है. ब्रीद सांस लेते थ्रू देयर लंग जो उनके फेफड़े होते हैं. एंड फीड ऑन ग्रास और क्या खाते हैं घास खाते और फ्लश मांस खाते ऑफ द अदर एनिमल दूसरे एनिमल्स के होते. दे मे बी नॉटिकल एनिमल्स मीन्स जो एक्टिव होते कहाँ रात को. ड्यूरोसेल मीन्स जो खाली दिन में एक्टिव होते. दिस इज आउल. टाइगर ये रात को होते हैं. टाइगर काउ कॉकरोच मॉस्किटोज डॉग कैट हॉर्स बटरफ्लाई एंड बैट. दिस आर द नॉटिकल एनिमल्स मीन्स जो रात को बैट आउल कैट रात को देखते हैं. हॉर्स डॉग एलिफेंट एंड डियर जो जो खाली दिन को देख सकते हैं. द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो कहाँ पे रहते हैं जो अलग अलग घर होते हैं. दे आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट. वो उनको चाहिए प्रोटेक्ट मीन्स अपने आप को बचाते किससे? फ्रॉम हीट से गर्मी से कोल्ड से ठंड से रेन से एंड बिगर एनिमल्स. जो बिगर एनिमल्स में जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जो उनका शिकार करते हैं. दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. दीज एनिमल हैव वैक्सिंग कोटिंग ऑन देयर बॉडी. जो एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनकी वैक्सिंग कोटिंग होती टू प्रिवेंट रॉटिंग इन एनिमल्स ताकि वो रॉट मीन्स रॉटिंग इन एनिमल्स. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स और जो गिल्स है उससे ब्रीथ करते हैं. एंड स्विम और स्विम करते किसे? विद द हेल्प ऑफ जो लिम्स होते हैं उनकी टांगे होती है एंड फिन्स होते हैं. दीज आर द एम्फीबियंस. दे लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज ऑन वाटर. जो एम्फीबियंस है वो कहाँ पे रहते पानी में भी रहते एज वेल एज वाटर में भी. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स और गिल्स से ब्रीथ करते. अंडर वाटर जब पानी के अंदर होते तो वाटर से एंड जब लैंड पे होते दे ब्रीथ थ्रू लंग्स से और स्किन से. व्हेन दे ऑन ग्राउंड जब जमीन पे होते. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है. फ्रॉग जब पानी में होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है. जब लैंड पे होता है थ्रू लंग्स एंड सालमोनेला एक्स्ट्रा. दीज आर द एम्फीबियंस. दीज आर द एरियल एनिमल्स. दे हैव ए लाइट बॉडी. जो एरियल एनिमल्स जो फ्लाई करते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? बिल्कुल लाइट होती है बिल्कुल हल्की होती है. फुल ऑफ फैदर्स. दे हैव विंग्स. उनके विंग्स होते हैं ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो फ्लाई कर सके. वी कॉल देम बर्ड्स. उनको हम बर्ड्स बोलते हैं. मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट. बहुत सारे बर्ड्स जो अपना नेस्ट बनाते हैं ले एग्स एग्स को ले करते हैं. दे फीड ऑन ग्रेन्स और ग्रेन्स खाते हैं. द बर्ड्स लाइक वल्चर जो है फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर. जो वल्चर है वो क्या खाता है? जो डेड एनिमल्स है उनका मांस खाता है. और दे आर कॉल सेवेंजर्स में जो मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको उनका जो मीट खाते उनका खाते. दे आर कॉल द सेवेंजर्स. क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर नॉट एम्फीबियंस. जो क्रोकोडाइल वो पानी में रहता है दे आर नॉट एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. जो एम्फीबियंस है दे आर मोर डिपेंडेंट ज़्यादा डिपेंडेंट है कहाँ पे? पानी में होता है देन रेप्टाइल्स. एब्रोल एनिमल्स जो कहाँ पे होते हैं? पेड़ों पे होते. दीज लिव ऑन ट्रीज. कहाँ पे होते? ट्रीज पे होते हैं. एंड कम ऑन लैंड इन सर्च ऑफ फूड. और जमीन पे कब आते? जब उनको खाना खाना होता है. इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश. मीन्स कैरल है जेन पांडवा है मंकी है ल्यूमर है एंड स्लॉथ है. एनिमल्स मोड ऑफ ट्रांस. जो एनिमल्स हम यूज़ करते हैं एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट.
एनिमल्स हैव बीन यूज सिंस एज टू पुल टांगाज एनिमल्स हम यूज करते सिंस पेज ऑफ टांगाज कार्ट्स थ्रू देयर यूज इज लिमिटेड नाउ जो लीम्स हैं उनके लिमिटेड नाउ दे कैन स्टिल बी सी रनिंग इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस कैमल्स आर जेंटली अडेप्टेड टू सर्वाइव जो कैमल्स हैं उनको अडेप्ट किया गया ताकि वो सर्वाइव कर सके जिंदा रह सके एंड वर्किंग ताकि वो डेजर्ट में जो रेगिस्तान में वहाँ पर काम कर सके दे कैन सर्वाइव इन हॉट वेदर वो सर्वाइव कर सके जब काफ़ी सारी गर्मी हो विदाउट फूड खाने के बगैर एंड वाटर फॉर मैनी डेज और जो पानी के बगैर काफ़ी समय तक वो जिंदा द बगी इज अ फोर व्हील लक्ज़री बगी दिस इज बगी इज अ फोर व्हील उसमें चार लक्ज़री कोच होते हैं पुल्ड बाय वन और टू हॉर्स और उसमें दो हॉर्स होते हैं एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी लोड जो एलिफेंट्स है दिस इज एलिफेंट दिखाया गया ये हम यूज करते हैं ताकि हम लोड्स को कैरी कर सके दे आर इजली टू मूव फ्रॉ थ्रू देयर थ्रू थिक फॉरेस्ट एरियाज और कहाँ पे होते हैं फॉरेस्ट एरियाज में जो घना जंगल होता है वहाँ पे पाए जाते हैं मल्स मंकीज एंड याक्स आल्सो आर यूज एज ए बीस्ट ऑफ बर्ड और उन जो है मंकीज है डंकीज है याक्स है हम इनको किसी जब वो जहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोड रखना होता है तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह लोड को कैरी कर सके स्नो डॉग्स रेड मैन दे आर यूज टू पुल व्हील लेस कार्ट्स एंड स्लेजेस इन स्नो बाउंड एरिया जो स्नो होते हैं वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो डॉग्स है स्नो डॉग्स है रेड मैन यूज़ करते हैं वो ताकि वो लोड्स को कैरी कर सके केयर ऑफ एनिमल्स आप अपने एनिमल्स का केयर कैसे कर सकते हो मीन्स अपने एनिमल्स की देखभाल कैसे करते वी डोमेस्टिकेट एनिमल्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल हम डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को मीन्स रखते हैं ताकि वो काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए ज़रूरी है इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेवारी है ताकि हम एनिमल्स का अच्छी तरह से देखभाल कर सके कैसे कर सके बाई गिविंग प्रोवाइड देम फूड उनको खाना देना चाहिए प्रोवाइड प्रॉपर फूड देना चाहिए एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और साफ सुथरा पानी देना चाहिए प्रोवाइड देम शेल्टर उनको छत देने उनके लिए छत बनानी चाहिए मीन्स घर बनाना चाहिए ताकि जो एनिमल्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके मीन्स बचा सके किससे हीट से कोल्ड से एंड रेन से उनको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए उनको नहलाना चाहिए बाथ देम एंड कीपिंग कैसे बाय बाथिंग एंड कीपिंग देम क्लीन और उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए उनको हर दिन हमेशा उनको नहलाना चाहिए एनिमल शेड शुड बी क्लीन जो एनिमल शेड में जहाँ पे वो रहते हैं जो उनका घर है हैबिटेट है उनको हमेशा साफ क्लीन करना चाहिए एंड कैप ड्राई और सूखा रखना चाहिए एनिमल्स शुड नॉट बी पुश्ड टू वर्क जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं करना चाहिए ताकि वो काम कर सके उतना ही काम करना चाहिए जितनी उनमें कैपेसिटी है उनकी जितनी उनकी काबिलियत है ए रेगुलर मेडिकल चेकअप फॉर डोमेस्टिक एनिमल और उनको भी एनिमल्स को भी कहाँ ले जाना चाहिए उनको भी डॉक्टर के पास ले जाना मीन्स एनिमल्स का डॉक्टर उसको वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं ताकि उनको चेकअप कर सके ताकि वो सही है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट The animals like horse are given a horseshoe. जो animals हैं जो horse हैं उनके भी horseshoe होते हैं on their hooves उनके पैरों में find out the purpose of shoes किस लिए एंड मेटीरियल यूज दिस इज हम animal shoes जो हम यूज़ करते हैं जो पहनते हैं जो horse पहनते हैं